सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मी, और इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने एक मोबाइल की सेटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अपनी मोबाइल के ऊपर अपनी फ़ोटो कैसे लगाएं, तो आप लोग नहीं जानते हैं तो जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो देखिए। और अभी तक मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल में, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करते रहेंगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती है, तो सेटिंग पे जाना पड़ेगा। तो देखिए सेटिंग मैंने सेटिंग्स ओपन कर लिया। सेटिंग्स जाने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए लैंग्वेज एंड इनपुट, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए लैंग्वेज एंड इनपुट, यहाँ पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद देखिए बाद में देखिए जीबोर्ड पर क्लिक कीजिए। देखिए जीबोर्ड पर ओपन कीजिए, बाद में देखिए थीम पर क्लिक कीजिए ओपन होंगे। ऐसे आप लोग ऐसे डाउनलोड कर भी लगा सकते हैं, डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। बाद में देखिए अपनी फोटो कैसे लगाएंगे, तो देखिए पहला नंबर है कलर पर क्लिक कीजिए, प्लास्टिक में क्लिक करने के बाद देखिए ग्लैरी को ओपन कीजिए। ग्लैरी में ओपन करने के बाद देखिए मैं यहाँ से एक फोटो सिलेक्ट करती हूँ, ये देखिए मैंने ये फोटो सिलेक्ट किया, मैं इसको मेरे कीबोर्ड के ऊपर फोटो लगाएंगे। तो नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ से आप लोग वाइट कर सकती है, ब्लैक कर सकती है, उसके बाद डन कर दीजिए। डन करने के बाद अप्लाई कीजिए, यहाँ से कीजिए तो ऐसा होगा अक्षर, और बाद में ऐसे कीजिए ऐसा होगा, तो अप्लाई कीजिए आप लोग की फ़ोटो लग गई है। तो आज वीडियो इतनी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और नई वीडियो में और कुछ जानने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज वीडियो इतनी है।